आस्था अगरबत्ती की तरफ से आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बादशाह की घंटी छाप 3-in-1 अगरबत्ती, खुशबू नहीं जादू है, बादशाह अगरबत्ती। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 24 और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। औरंगाबाद जोधनगर वार्ड नंबर 11 में अतिक्रमण हटाया गया था। शिकायतकर्ता मनोज कुमार के घर के सामने एक सोमो और एक इंडिगा गाड़ी खड़ी थी। देर रात असामाजिक तत्वों ने गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। शिकायतकर्ता के अनुसार ये घटना 8 से 8:30 बजे के बीच लगभग हुई थी। इसकी शिकायत थाने में की गई, लेकिन तत्काल कार्रवाई नहीं होने के कारण शिकायतकर्ता और उनके कॉम्प्लेक्स में बने जोधा कॉम्प्लेक्स के सभी दुकानदारों को डराया और धमकाया जा रहा है। यहां तक कि 15 दिन तक दुकान नहीं खोलने का भी फरमान जारी किया है। दुकान के CCTV फुटेज को भी खंगारा जा रहा है ताकि उनको पहचान कर प्राथमिकता दर्ज हो। हाँ, आपके साथ क्या घटना घटी? ये पिंड है, प्लॉट नंबर 304। हाँ। इसमें अतिक्रमण हटाने के लिए हमें आवेदन दिए थे लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के पास जी। इनके द्वारा आदेश दिया गया तोड़ने के लिए। हाँ। CEO ने अतिक्रमण वार्ड संख्या 10 चला के उस पर कार्रवाई प्रारंभ कर दी और उसी के तहत कल अतिक्रमण को हटाया गया। अतिक्रमण हटाने के बाद उसमें से एक मुसाफिर प्रसाद है जिन्होंने पदाधिकारी के जाने के बाद मैरिज हॉल के पास आके कहे कि हम देख लेंगे, जो होगा समझ लेना तू। उसके बाद रात में 8:20 के बाद आके दोनों गाड़ी को रड से मार के तोड़ दिए, जो कि मेरे CCTV कैमरा के फुटेज में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और ये तीनों दुकान मेरे यहाँ रेंटर है। इन लोगों को धमकी दिया गया है कि अगले 15 दिन तक आप लोग को दुकान नहीं खोलना। देखिए, उस दुकान का आप यहाँ से हिले मत, आप यहीं बोलते रहिए। उस दुकान का एक CCTV कैमरा यहाँ है, इसका फुटेज को डिलीट करने के लिए अंदर जाके दुकानदार के साथ भी हाथापाई किया गया है और कहा गया कि जब तक फुटेज डिलीट नहीं हो जाता है अपने 15 दिन में, तब तक दुकान नहीं खोलना। आपने केस किया? मैं केस करने के लिए रात में 8-9 के आसपास में गया था, तो SP साहब से बात करके गया था। SP साहब बोले कि आप जाइए, हम थाना पे फोन कर दे रहे हैं। वहाँ गए तो थाना पे गए तो जो IO ड्यूटी में थे वो कहे कि आपका केस जो है वो सुरक्षा प्रदान करने के लिए है और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इंस्पेक्टर साहब से मिलिए। इंस्पेक्टर साहब उस समय थाना में नहीं थे, कहीं ड्यूटी में निकले हुए थे गश्ती में। इंस्पेक्टर साहब से बात करने के बाद कहे कि आप आइए 9-10। फिर सुबह में भी गए तो फोन पे बात हुआ तो 12 के बाद बुलाया। अभी 3:30 मेरा एप्लीकेशन दिया गया, लेकिन कल से अभी तक प्रशासन का कोई भी आदमी यहाँ देखने नहीं आया कि क्या। कमलेश कुमार सिंह के साथ नीरज कुमार की रिपोर्ट। समस्तीपुर वारिसनगर प्रखंड अंतर्गत मनियापुर पंचायत में आज तीसरी आम सभा का आयोजन किया गया। इस आम सभा के माध्यम से वार्ड नंबर 5 क्रमांक संख्या 199 में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का चयन होना था, जिसमें कुल 13 आवेदिकाओं ने अपना अपना फॉर्म भरा था। ग्रामीणों का कहना है कि मार्कशीट के आधार पर जिला द्वारा मेगा सूची तैयार की गई है, जिसको लेकर आज तीसरी आम सभा के माध्यम से मेगा सूची के आधार पर प्रथम आई आवेदिका ललिता कुमार पति वीरेंद्र कुमार आती हैं, लेकिन महिला पर्यवेक्षिका द्वारा नियमानुसार 8वें नंबर पर बहाली मिक्की कुमारी पति मनोज कुमार शाह का चयन किया जा रहा है, जिसका लोगों के द्वारा विरोध किया जाने लगा और दोनों पक्ष के लोगों में तूतू मैमे और गाली गलौज प्रशासन की मौजूदगी में करने लगे, जिसके बाद विवाद बढ़ता चला गया। मामला तो तब बढ़ गया जब महिला पर्यवेक्षिका का भाई आमसभा स्थल पर पहुंचकर वीर बचाव करने लगा, जिससे विवाद और बढ़ता चला गया, जहां लोग महिला पर्यवेक्षिका से भी मारपीट पर उतारू हो गए। इसी बीच वारिसनगर पुलिस प्रशासन ने पर्यवेक्षिका को सुरक्षा प्रदान करते हुए थाने ले आए, जिसके बाद सेविका और सहायिका की बहाली नहीं हो सकी। ललिता कुमारी को 1 नंबर का भी देते हो, कुमारी के भाई मारा।
उसके बाद भी जब बालिका ऑफिस में गए पूछने के लिए सीडीपीओ मैडम से, तो परसा सिन्हा बोली जो 2 लाख रुपया लगा खर्च में तब आपकी पत्नी को बहाली होगी, और ऊपर से 2 लाख रुपया मांग कर रही है, वही नहीं देने पड़ रही है। आवेदन में डीएम साहब को भी दिए हुए हैं, डीपीओ मैडम ममता वर्मा को भी दिए हुए हैं जिला में जा करके, फिर भी वहाँ से कोई हमको सुनवाई होकर के अभी तक नहीं मिला। सीधे बोला गया कि जो जाइए आप सीट को बहाली के लिए ऑर्डर कर दिए, बहाली होगी 1 नंबर कैंडिडेट। आपका नाम? मेरा नाम वीरेंद्र राय, कैंडिडेट का नाम ललिता कुमारी। आप उसका पति हैं? जी वो उसका पति है, वार्ड संख्या 5 मनियार ग्राम पंचायत राज मनियारपुर में, वार्ड संख्या 5 से बहाली किया हुआ है यहाँ वारिस नगर ब्लॉक में। जी जी बबीता कुमारी का भाई, बबीता कुमारी का भाई जो है उसका नाम नहीं जानते हैं, महिला प्रवेश का जो बबीता कुमारी है उसका भाई आकर के 1 नंबर कैंडिडेट ललिता कुमारी के साथ गर्दन पकड़ करके मार झाप मारपीट भी और प्रशासन के सामने में भी मारपीट किया है इसके साथ ही। 1 नंबर कैंडिडेट ललिता कुमारी के प्रशासन लेकर के भाग गया यहाँ पर, कहे बढ़िया पदाधिकारी को बुलाइए, तो कहा डीएम को फोन कीजिए, हम कहे डीएम को क्यों फोन करें, डीएम को ये मैडम फोन करके बुलाएगी, चाहे जिनको बुला रहा बढ़िया पदाधिकारी को उनके साथ कुमारी को बहाली करने गई और कह रही है उसको करेंगे, उसका बबीता कुमारी पहला बार जो मुझसे पैसा मांगी और बुलाई जो आपका 1 नंबर स्थान आ रहा है आपको बहाली करेंगे, वो अपने घर पे मुझे बुलाया और बुलाया जो फोन करके घर पर गए तो 50,000 रुपया मुझसे लिया गया, 50,000 रुपया दिए इनको हाथ में, तब ये पैसा दिया वो अपने हस्बैंड को गिनने के लिए जो मेरे पास वीडियोग्राफी भी है वो भी मैं उपस्थित करूंगा। उसके बाद बबीता कुमारी के 3 दलाल हैं, एक उनका पिताजी दलाल है, एक उनका मौसेरा भाई कमलेश कुमार है जिसका घर धनहर पंचायत में है, रामचंद्र राय का लड़का है कमलेश कुमार, वो भी एक दलाल है, उसको भी 60,000 रुपया उसके माध्यम से मुझसे लिया गया, और अमित झा बाल विकास ऑफिस के किरानी है उनके माध्यम से 30,000 रुपया मुझसे लिया गया, और मेरा कैंडिडेट का मार्कशीट आवेदन में जो दिया गया था वो जीरक्स करा करा करके 3,000 रुपये प्रति कॉपी बेच रहा था, वार्ड मेंबर के हाथ से बेचा, वार्ड पंच के हाथ से बेचा, सभी कैंडिडेट के हाथ से। नेशन 24 के लिए समस्तीपुर से धर्म विजय प्रसाद गुप्ता के साथ आशीष कुमार की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान स्थली बोधगया में IIM भवन निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग के बीच समझौता हुआ। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के निदेशक प्रभाकर सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग जून 1884 से निर्माण कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इस परिसर का निर्माण ऐसा होगा कि देश विदेश से आने वाला पर्यटक बोधगया की इमारतों को महाबोधि मंदिर की तरह देखेंगे। वहीं IIM के निदेशक विनीता सहाय ने कहा कि 60,383 वर्ग मीटर 3 साल में भवन का निर्माण कार्य कर लिया जाएगा। इस अवसर पर CPW के महानिदेशक सुनील गर्ग, मुख्य अभियंता PB सिंह, कार्यपालक अभियंता महेंद्र भाटी, CEO ब्रिगेडियर MD चाको, IIM के छात्र और शिक्षक आदि उपस्थित थे। नेशन 24 के लिए बोधगया से विवेक कुमार पांडे की रिपोर्ट। बड़ा प्रोग्राम है, हमने MOU साइन किया है IIM बोधगया के साथ, CPWD यहाँ पे पूरा कैंपस बनाने जा रही है, इससे लागत करीब 225 करोड़ है और समय सीमा 37 महीने का डिसाइड किया गया है, और ये वर्ल्ड क्लास का इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ क्रिएट की जाएंगी, जो एक सेंटर ऑफ लर्निंग होगा IIM बोधगया, उसमें एज DG CPWD में मुझे बुलाया गया है और मैं हम लोगों ने MOU साइन किया है, इस काम को आज से शुभारंभ किया जा रहा है, और इसमें मैं डायरेक्टर IIM डॉक्टर विंदा सहाय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने हमें इस काम के लिए चुना है और हम उस कसौटी पे खड़े उतरेंगे और कहीं उससे अच्छा काम करके देंगे। मगध विश्वविद्यालय मनोविज्ञान विभाग में मेमोरियल नेशनल सेमिनार का आयोजन प्रोफेसर BK सिंह द्वारा किया गया।
इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कुलपति प्रोफेसर कमल हसन ने मगध विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग के महिलाओं के खिलाफ हुए अत्याचार पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कुलपति हसन ने कहा कि महिलाओं को आज़ादी चाहिए ताकि वो अच्छे बुरे का स्वयं निर्णय ले सके। पिछले 2 सालों में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के ग्राफ 12.4% वृद्धि हुई है। वहीं समाज सेवी गीता दी ने महिलाओं को बलवान और सशक्त होने पर जोर दिया। इस मौके पर स्मारिका विमोचन किया गया। इस सेमिनार में लगभग 500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अवसर पर चेयरमैन डॉक्टर परशुराम सिंह, को चेयरमैन प्रोफेसर उमापति, निदेशक प्रोफेसर सुनीति सुमन, मीनाक्षी शुक्ला, समिति सदस्य डॉक्टर जेके वी सिन्हा, विश्वविद्यालय के शिक्षक, छात्र और छात्राएं और सभी पदाधिकारीगण उपस्थित थे। सारा फ्रीडम मिलना चाहिए। ये जो बोलते हैं कि लड़की सेफ नहीं है, इसको मतलब कि सेफ होने के लिए हर चीज़ मतलब कि व्यवस्था होना चाहिए डिपार्टमेंट में, और उसी की वजह से मतलब यहाँ वो टॉपिक चल रहा है, बातें हो रही है कि लड़कियों को कैसे आगे बढ़ना चाहिए, और हम लोग भी उसी का मतलब कि ये कर रहे हैं, हम लोग साथ दे रहे हैं उसका, ये मतलब कि वो आगे बढ़े। और आप क्या कहना चाहेंगे अत्याचार पर? सर हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग भी हैं स्टूडेंट हैं, हम लोग ही बोल ही सकते हैं या हम लोग मोर्चा निकाल सकते हैं, ये तो सरकार लोग ही कर सकते हैं ना कि क्या करना है क्या नहीं करना। हम लोग तो बोल सकते हैं, मोर्चा नहीं। मांगे क्या रखेंगे? मांगे रखेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और यही है आगे बढ़ना चाहिए बेटी लोग को। यास्मीन, नेशनल 24 के लिए बोधगया से विवेक कुमार पांडे की रिपोर्ट। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेशन 24।